Hello, I'm Seema, and welcome to the Hindi version of part 12 of the chapter Chemical Kinetics. इस वीडियो में हम दो इंटेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विच आर बेस्ड ऑन द रेट कॉन्स्टेंट कि रेट कॉन्स्टेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं और हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं, ये दो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो मैं सॉल्व करूंगी. ये क्वेश्चन 4.5 है, ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है आपका. क्वेश्चन है कि अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ 1.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पर सेकेंड. What is the order? Order क्या है reaction का? It is a first order reaction. और rate constant जो है वो 1.15 into 10 to the power minus 3 per second है. How long will 5 gram of this reactant take to reduce to 3 grams? अगर हम 5 grams reactant है हमारे पास, तो वो 3 grams होने में कितना reduce होने में कितना time लगाएगा? तो वो time जो है t हमें पता करना है. So we know for first order reaction, what is the equation for the, what is the rate equation for first order reaction? K is equal to 2.303 upon T log R0 upon R. है ना? ये first order reaction की equation है. जिसमें K rate constant है and T वो time elapsed है जब आपका initial amount to final amount में जितना time लगा वो टाइम जो है वो टी है. इट इज एक्चुअली टी टू माइनस टी वन होना चाहिए. तो हम उसे टी लिखते हैं. एंड लॉग ऑफ आर जीरो इनिशियल कंसंट्रेशन है और आर जो है वो फाइनल कंसंट्रेशन है. नाउ इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो इनिशियल कंसंट्रेशन में जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हम मोलैरिटी की बात करते हैं. बिकॉज सोल्यूशन के केस में कंसंट्रेशन जो है वो मोलैरिटी की टर्म्स में हम कैलकुलेट करते हैं. लेकिन अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड के लिए सॉलिड या लिक्विड के लिए मोलैरिटी नहीं होती, मोल्स पर लीटर नहीं, वो तो प्योर सब्सटेंस है. देयरफॉर उसका जो मास है या इन द केस ऑफ लिक्विड्स वॉल्यूम जो होगा उसी को हम उसी के डिफरेंस को या उसी के चेंज को हम चेंज इन कंसंट्रेशन मानेंगे. तो चेंज इन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. तो आर जीरो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन है तो इनिशियल मास हम यहाँ पे 5 ग्राम्स लेते हैं. आर जीरो यहाँ पे 5 ग्राम्स है और आर फाइनल मास ये फाइनल कंसंट्रेशन है तो हम 3 ग्राम्स को फाइनल कंसंट्रेशन लेंगे. और हमें दिया क्या हुआ है क्वेश्चन में, हमें रेट कांस्टेंट के दिया हुआ है. व्हाट इज के, के कितना दिया हुआ है इज 1.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पर सेकेंड. तो हमारा के है और R0 जो है वो कितना हो गया 5 ग्राम्स और R कितना हो गया ये है 3 ग्राम्स. तो अब इनको सब्स्टिट्यूट करते हुए हमें वैल्यू T की पता करनी है तो इसको इंटरचेंज कर दो. रीअरेंज करते हुए T विल बिकम इक्वल टू 2.303 अपॉन K लॉग R0 अपॉन R, है ना. और अब हमें टी कैलकुलेट करना है तो अब वैल्यूज डालो. 2.303 अपॉन के की वैल्यू कितनी है 1.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पर सेकेंड इज द यूनिट, है ना. तो लॉग ये कितना है R0 5 ग्राम्स एंड नीचे R क्या है 3 ग्राम्स. तो ग्राम्स एंड ग्राम्स कैंसिल हो जाएगा, यू विल बी लेफ्ट विद लॉग 5 अपॉन 3. इसका लॉग जब आप पता करोगे तो इसकी क्या वैल्यू आएगी, पहले इसे लिख लें 2.303 अपॉन 1.15 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पर सेकेंड इंटू ये लॉग 5 अपॉन 3 की वैल्यू होती है 0.2219. ठीक है. अब जब इसे सॉल्व करोगे और क्योंकि यहां पे ग्राम एंड ग्राम कैंसिल हो गया और क्या यूनिट रह गया हमारे पास सिर्फ सेकेंड इनवर्स रह गया, वो भी डिनोमिनेटर में. तो अगर हम सेकंड इनवर्स डिनोमिनेटर में है तो ये ऑटोमेटिकली न्यूमरेटर में आके सेकंड बन जाएगा. तो हमारा जो टाइम है वो हमें किस यूनिट में मिलेगा, सेकंड्स में. याद रखो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हो जो क्वांटिटी आपसे पूछी हुई है अगर उसके यूनिट्स करेक्ट आ जाते हैं आपके सॉल्यूशन में तो इसका मतलब जो भी आपने वैल्यूज प्लग इन की है जहां जहां लगानी थी वो आपने ठीक लगाई है. So, यूनिट्स हमेशा आपको हिंट दे देते हैं कि आपने प्रॉब्लम ठीक से सॉल्व की है या नहीं. सो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये कितना वैल्यू आएगा 444.38
0.38 seconds will be the answer. और ये approximately कितना, अगर आप 0.38 को ignore कर लेते, round off कर देते हो, तो 444 seconds बन जाता है. ठीक है? So, ये था question 4.5. अब हम solve करते हैं question 4.6. Time required to decompose SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 minutes. किसी भी चीज की, किसी भी reactant की quantity अगर half हो जाए, उस time को जितने में वो half होती है, उसे half life period बोलते हैं, T half. तो time required to decompose SO2Cl2 to half of its initial amount is 60 seconds. इसका मतलब SO2Cl2 की quantity half होने में कितना time लगता है? 60 minutes. इसका मतलब है कि आपको T half दिया हुआ है जो 60 minutes है. ठीक है? And if the decomposition is a first order reaction, अगर ये decomposition first order reaction है, तो आप calculate करो इसका rate constant. It's a first order reaction. Rate constant is K, जो आपको calculate करना है. First order reaction के लिए K और T half में क्या relationship होता है? जो relationship होता है वो है कि T half is equal to 0.693 upon K. ये relationship है. तो इसका मतलब K और T half में से एक भी अगर आपको मालूम है तो दूसरा आप calculate कर सकते हो. तो हमें क्या पता करना है? हमें K calculate करना है तो rearrange करो. K will be equal to 0.693 upon T half. और T half की value हमें दी हुई है कितनी? 60 minutes. तो इसलिए 0.693 upon 60 minutes. अब अगर minutes denominator में है, तो K की value का unit क्या होगा? Minute inverse. क्योंकि minute जो है denominator में है, अगर इसे ऊपर ले आओगे तो ये minute inverse बन जाएगा. और अगर इस numerical quantity 0.693 upon 60 को जब आप solve करते हो, तो कितना आता है? It is 0.01155 is equal to 0.01155 per minute. ठीक है? अब इसको हम scientific notation में लिखते हैं, क्योंकि किसी भी usually जब भी हम कोई answer report करते हैं, तो हम उसको ऐसे इतने places of decimal तक नहीं करते, हम उसे scientific notation में कम से कम एक non-zero digit को decimal से पहले रख के और बाकी सब को into 10 to the power करके उसे scientific notation में लिखते हैं. तो इसको scientific notation में करने के लिए क्या करोगे? You write 1.155 दो decimals इधर करने के लिए आप इसको क्या करोगे? 10 to the power minus 2 100 से divide करोगे. You'll actually be dividing it by 100 in order to get 1 point. इसको 100 से divide करके आपको ये वापस मिल जाएगा. तो ये तो आपको मिला किस unit में? Per minute में. लेकिन हमें अगर हम per second में value of k निकालना चाहते हैं, तो अगर हम k को per second में दिखाना चाहते हैं, तो 1.155 into 10 to the power minus 2 per minute है. तो unit factor method के हिसाब से किसी भी चीज को minute को अगर आपने seconds में convert करना है, तो आप उसे क्या करोगे? You will divide it by 60. तो इस value को आप 60 से divide करोगे. So when you divide this by 60 or yeah into 1 upon 60, and iska wo kya ban jayega? Second inverse upon minute inverse. अब minute inverse and minute inverse cancel हो जाएगा, second inverse में आपको answer मिलेगा, और जब आप इसे solve करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? 1.925 into 10 to the power minus 4, 1.925 into 10 to the power minus 4 would be your per second, would be your answer. ठीक है? तो ये थे दो in-text questions, और इसके साथ ही मैं इस वीडियो को wind up करूंगी. अगर आपको ये हेल्पफुल लगी तो प्लीज इसे थम्स अप दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने फ्रेंड्स को बताइए, रेकमेंड कीजिए, और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए वापस मेरे चैनल पे आइए. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फॉर नाउ.